सास बहू की अनोखी कहानी। डाइनिंग रूम में एक पिता और उसका बेटा बैठे थे। पिता पेपर पढ़ रहे थे और बेटा मोबाइल में व्यस्त था। अचानक डाइनिंग रूम में बैठे बाप बेटे दोनों को किचन से कोई कांच का बर्तन टूटने की आवाज आई। आवाज से बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ा, किंतु बाप के कान खड़े हो गए। बाप ने तुरंत बैठे बैठे सवालों की तीर छाड़ी, क्यों टूटा, कैसे टूटा, किसने तोड़ा। पास में बैठे बेटे ने कहा, पिताजी क्यों अपने बीपी बढ़ा रहे हो, मैं यही से बता सकता हूँ कि कांच का बर्तन किसने तोड़ा होगा। बाप ने कहा, बेटा बीपी तो बढ़ेगा ना, क्योंकि वो बर्तन फिर से खरीद कर तो मुझे ही देना पड़ेगा। चलो तुम बताओ बर्तन किसने तोड़ा होगा। बेटे ने कहा, माँ से टूटा होगा। पिता ने पूछा, क्यों, मेरी बीवी क्यों, तुम्हारी बीवी क्यों नहीं। बेटे ने कहा, मेरी बीवी समझदार है। पिता का मन नहीं माना तो तुरंत किचन की ओर चल पड़ी। वहां जाकर पूछा कि बर्तन किसने तोड़ा, तो उसकी पत्नी सामने आई और कहा, मुझसे टूटा है, क्या करोगे। उन्होंने कहा, कुछ नहीं, मैं नया खरीद कर दूंगा, मगर चीजें संभाल कर इस्तेमाल करना। वो वापस डाइनिंग रूम में आई और बेटे से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि बर्तन तुम्हारी माँ ने तोड़ा। बेटे ने जवाब दिया, अगर बर्तन बहू से टूटा तो पीछे तुरंत डांट की आवाज़ सुनाई देती, मगर बर्तन उससे टूटा इसलिए पीछे कोई भी आवाज़ नहीं आई। किचन रूम का हाल आपको बताता है। ससुर के जाते ही बहू ने सास के पैर पकड़ लिए और कहने लगी, माँ जी आप बहुत अच्छी हो, अब हर बार मेरी गलतियाँ छुपा देती है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल।